हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम MBPCS के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए आज बात करते हैं प्रिंसिपल ओमैन की। हालांकि आप MPP असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोज में भी किया था कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके साथ साथ जो समरी होगी, जो फैक्ट है, उन सबको डिस्कस करेंगे। ये पोएम काफ़ी बड़ी है प्रिंसिपल ओमैन, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट की समरी को आपको समझाता हुआ चलूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ओमैन 1372-86 के बीच में लिखी गई थी और ये मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में है। एलिगोरिकल एक नैरेटिव पोयम है विलियम लैंगलैंड द्वारा, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, ये अनराइम्ड है, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार कि किस राइम स्कीम में लिखी गई है, तो अनराइम्ड पोयम है और अलिटरेटिव वर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और इसके जो सेक्शंस हैं उनको पैसेस बोला गया, लेटिन वर्ड स्टेप से लिया गया पैसेस। तो इसमें 20 पैसेस हैं, यानी 20 स्टेप हैं और 8 विजन है। एक विजन एलिगरी है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ओमैन क्या है, ठीक है। तो एलिगरी है और विजन ड्रीम एलिगरी है एक तरह से, हम यानी स्वप्न में जो इसकी स्टोरी है वो स्वप्न में बुनी गई है, ठीक है। अच्छा, इसके तीन टेक्स्ट हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन दे के कि प्रिंसिपल ओमैन में कितने टेक्स्ट हैं। तो जिनको नाम दिया गया है, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट और सी टेक्स्ट। तो आपको याद रखना है, कई बार ए बी सी डी करके दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट प्रिंसिपल ओमैन से रिलेटेड नहीं है। तो आपको याद रखना है, देयर आर थ्री टेक्स्ट ऑफ दिस वर्क प्रिंसिपल ओमैन एंड टेक्स्ट बी इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। बी टेक्स्ट काफी पॉपुलर है। और एक और फैक्ट बता दूं कि ये काफी बड़ी पोयम है, क्योंकि जो टेक्स्ट ए था उसमें लगभग 4000 लाइनें थी। तो अब यू कैन इजिली इमेजिन कि ये कितनी बड़ी पोयम है। जो टेक्स्ट बी है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम इसी वीडियो में टेक्स्ट बी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, उसी की समरी को डिस्कस करेंगे। तो एक और चीज़ याद रखनी है कि थियोलॉजिकल एलिगरी है और काइंड ऑफ सेटायर भी है, ठीक है। मतलब ये धर्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एलिगरी, और जो सोसाइटी पे एक सेटायर भी करती है, ठीक है। तो इसमें जो मेडिवल एरा में कैथोलिसिज्म था, जो धर्म था, उसको लेके कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जैसे हम अपने धर्म की बात करें तो हम एज ए हिंदू और मुस्लिम अपने देश में स्पिरिचुअलिटी को लेके जो डिस्कशन करते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, उनको अगर हम रिटिन फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करें तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट किया है। अच्छा, इसमें और जो याद रखने वाली चीज़ है, कुछ करैक्टर हैं, डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट। मतलब ये तीन करैक्टर हैं, इनको हम बोलें कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स हैं। ये पूरी पोयम जो इसमें करैक्टर्स हैं वो जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं वाइस वर्सेस, उन पे ही पूरी निटेड है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, इसमें इसी तरह के करैक्टर हैं जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो डू बेस्ट, डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट, ये तीन इसमें करैक्टर हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये पसेसिस यानी स्टेप्स में डिवाइड है। तो इसकी अब समरी देख लेते हैं। विजन फर्स्ट शुरू होता है, ठीक है, प्रोलॉग है इसमें। विजन फर्स्ट में पोयम बिगिंस विद द मालवन हिल्स, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में एक बार और बाकी एग्जाम्स में भी कि पोयम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मालवन हिल है एक, वहां से शुरुआत होती है जो वॉर्सेस्टर शायर्स और हरफोर्ड शायर के बीच में है। यहाँ एक विल नाम का व्यक्ति है जो नैरेटर है, जिस के विल पे, जिसके ड्रीम्स पे पूरी कहानी बुनी हुई है, वो विल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विल नाम का एक करेक्टर है। विल से मतलब हम अपनी इच्छाएं, ह्यूमन की जो इच्छा होती हैं उनसे भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विलियम लैंगलैंड ने लिखा है और जो ज़्यादातर करेक्टर लिए हैं वो इसी तरह के लिए हैं, विल, होप, ठीक है, सिन, इस तरह से। तो विल नाम का एक करेक्टर है जो सो जाता है, जिसको नींद लग जाती है, और वो अपने स्वप्न में देखता है एक टावर जो एक हिल पर होता है, ठीक है, और उसके बाद एक डीप वैली में एक किला देखता है, ठीक है। ये उसका पहला विजन होता है। और जो सिंबल होता है, जो टावर होता है हेवन का, और जो वैली में एक फोर्ट्रेस होता है, किला होता है, वो हेल का सिंबल होता है। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी। और फिर जो बीच वाला एरिया है, मतलब पहाड़ी से और नीचे वैली यानी घाटी में जो
इसने स्वप्न देखा है, घाटी में जो एक फोर्ट्रेस है, किला है, और पहाड़ी पे जो एक टावर है, उनके बीच में जो आम लोग हैं उनको दर्शाया गया है। ठीक है। अच्छा, असस फर्स्ट शुरू होता है, अभी देखते हैं कि इसकी पूरी समरी क्या है। होली चर्च विजिट विल एंड एक्सप्लेन द टावर ऑफ ट्रूथ एंड डिस्कस ट्रूथ मोर जनरली। स्टेप फर्स्ट में होता है कि जो होली चर्च है वो विल के पास आती है और उसको सत्य के बारे में बताती है। ठीक है। विल सीज लेडी मैड, मेड से मतलब यहाँ पेमेंट है। अच्छा, विल जो है वो लेडी मेड से मिलता है, नहीं मनी से, पैसे पेमेंट से मिलता है, और एंड फाइंड्स आउट अबाउट हर प्लान मैरिज टू फॉल्स, और वो देखता है कि जो मेड है वो फॉल्स से शादी करने का प्लान कर रही है, यानी पैसा जो है वो फॉल्स से शादी करने का प्लान। मतलब यहाँ राइटर एक सेंस देता है कि जो पैसा है, मनी है, वो एक तरह से भ्रम है, वो झूठ है, फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, पास थ्री लेडी मेड ट्रेवल्स टू रॉयल कोर्ट। वो रॉयल कोर्ट में जाती है और किंग को बताती है कि उसकी इच्छा है कि उससे शादी कर ले फाल्स है, लेकिन किंग उसे प्रपोज करता है कि तुम कंसाइन से शादी कर लो, लेकिन कंसाइन जो है वो मना कर देता है। अब तो यहाँ क्या सेंस बनता है कि पहले मतलब फाल्स से शादी करने की बजाय तुम कंसाइन से करो, तो कंसाइन बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। अच्छा, कंसाइंस एंड रीजन कन्विंस द किंग नॉट टू मैरी मैड टू फॉल्स। इसके बाद जो कंसाइंस और रीजन है वो किंग को बोलते हैं कि तुम मैड को बोलो कि फॉल्स से भी शादी ना करे, और इसी के बाद जो विल है वो जाग जाता है, क्योंकि ये ड्रीम लिख रही है, तो ये चारों स्टेप उसके ड्रीम के थे। ठीक है। उसने स्वप्न देखा था, विल ने। इसके बाद विजन सेकेंड शुरू होता है। विजन सेकेंड में क्या होता है कि जो विल होता है फिर से सो जाता है। ठीक है। अब यहाँ रीजन जो होता है वो जो आम लोग हैं, यानी रीजन भी एक करेक्टर है यहाँ, एक्चुअल में जो रीजन तर्क है, लेकिन यहाँ क्योंकि करेक्टर के फॉर्म में ये सब जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं ये दर्शाए गए हैं, तो जब दोबारा विल सो जाता है तो देखता है कि जो रीजन है वो फील्ड ऑफ फॉक्स यानी जो आम लोग हैं उनको प्रवचन कर रहा है, उनको बताता है कि अब कैसे अपने कर्मों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, क्योंकि डेडली साइन जो होते हैं, सेवन डेडली सिंस, वो कन्फेस करते हैं, और फिर लोग ये मानते हैं कि संत ट्रुथ नाम की जगह है, कोई पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पे अगर हम जाएंगे संत ट्रुथ के पास, तो हमारे जो पाप हैं वो मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। ठीक है। दे गेट लॉस्ट एंड पिर्स फिलोमैन मेक हिज फर्स्ट अपीयरेंस। तो हमारा जो टाइटल है पिर्स फिलोमैन, ठीक है, उसका अपीयरेंस पैसेस फाइव एंड स्टेप फाइव में होता है, विजन सेकंड में होता है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पिर्स फिलोमैन आ जाता है। पिर्स फिलोमैन कौन है? एक असाधारण किसान है, साधारण आदमी है। ठीक है। ही विल हेल्प द पेनिटेंट्स इफ दे हेल्प हिम प्लो हिज हाफ एकड़। तो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम सब लोग जो पापों से डरे हुए हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो तब करूंगा जब तुम मेरा खेत जुतवाने में, हाफ एकड़ खेत को जुतवाने में हेल्प करोगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, पासेस सिक्स में, कि वो लोग पिर्स की हेल्प करते हैं खेत को जुतवाने में, लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं, और जो मना करते हैं उनको भूख परेशान करती है। ठीक है। तो वो लोग फिर काम करते हैं, और फिर जैसे ही उनकी भूख मिट जाती है तो वो लोग फिर आइडल हो जाते हैं। ये कॉमन ह्यूमन नेचर है कि यहाँ इस स्टेप में दर्शाया गया है कि लोग जब भूख प्यास लगती है तो काम करते हैं, फिर जैसे ही मिट जाती है तो कुछ लोग आइडल हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पैसा सेवन। इसमें क्या होता है, ट्रूथ सेंड स्पीड से पार्डन फॉर द पेनिटेंट साइन। जो ट्रूथ है, एक जो सत्य है, वो पार्डन को बताता है कि जो लोग को पश्चाताप कर रहे हैं यानी जो आम लोग हैं उनसे बोलो कि वो डू वेल एंड हैव वेल, ये काम करें, अच्छा करें और अच्छा पाएं, उसके थ्रू ये मैसेज पहुंचाता है। गॉड सेल हैव योर सॉल, और जो ईश्वर है फिर वो तुम्हारी आत्माओं का यानी तुमको मुक्त करेगा। डू ईविल एंड हैव ईविल, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। एंड एक्सपेक्ट नथिंग देन अदर देन दैट आफ्टर डेथ द डेविल सेल हैव योर सॉल। अगर आप गलत करते हो तो फिर कुछ अच्छी उम्मीद भी मत करो, और मृत्यु के बाद तुम सिर्फ नर्क में जाओगे, यानी डेविल तुम्हारे सॉल को ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रिस्ट होते हैं उसी चैलेंज इस बात को चैलेंज करते हैं, तो इस इन दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है, प्रिस्ट और पिलोमैन में। इसके बाद क्या होता है, जो विल होता है वो फिर से जाग जाता है। ठीक है। और वो कहता है कि अब मुझे डू वेल करना है, मतलब अच्छा काम करना है। इसके बाद विजन थ्री शुरू होता है, यानी पैसेस एट शुरू होता है। यहाँ जो विल है वो डू वेल की सर्च शुरू कर देता है,
यानी वो खुद सोचता है कि यार मैं स्वप्न देख रहा हूँ, इसमें सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं भी एक डूबेल को सर्च करूँ। इसका सेंस क्या है कि इंसान जब जागृत होता है तो फिर अच्छे कर्मों की तरफ जाता है, राइटर ऐसा यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वो जो फ्रायर्स होते हैं यानी धर्मात्मा या महात्मा टाइप के लोग होते हैं, उससे उसका झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मतलब तर्क करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रीजनेबल बन जाता है, तो कुछ फ्रायर से उसका डिस्प्यूट कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो विलेव फिर से सो जाता है, और इस बार वो थॉट से मिलता है। अब थॉट भी क्योंकि एक ह्यूमन ट्रेट है, यहाँ इसको करेक्टर बताया है ये समझाने के लिए। अब जो थॉट है वो विल से बोलता है कि तुम डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, ये काम करते रहो। वो विल से कहता है थॉट कि अच्छा करो, डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट, ठीक है, इसके अलावा तुम कुछ मत करो। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में पैसेज 9 में देर इज एन एक्सटेंडेड एलिगरी फीचरिंग डू वेल एंड कैसल ऑफ लेस। अब यहाँ अच्छे काम करने में कैसल ऑफ लेस दर्शाया गया, जो आम लोग हैं, मॉस है, भीड़ है, ठीक है, कि उनको जरूरत है इनविट की, यानी अंतर की, खुद की, यानी हमारी अंतरात्मा की जो तर्कशीलता होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ वो एक टेक्स्ट देते हैं इनको, एलिगरिकल टेक्स्ट कैसल ऑफ लेस में, और उसके बाद वो जो टेक्स्ट है वो डिस्कस करता है गरीबी और मैरिज के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जो विल होता है फिर आगे कोशिश करता है डू वेल को समझने की और उसको एक एक्टिव वर्च्यू बनाने की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो विल है वो नेक्स्ट स्टेप में विट्स की वाइफ से मिलता है, जिसका नाम है डेम स्टडी। अब यहाँ हम राइटर समझा रहा है कि जब आप डू वेल करने जाते हैं तो अब तर्कशीलता करते हैं, तर्कशीलता की वाइफ क्या है, स्टडी। वो कहता, राइटर कहना चाह रहा है कि जब आप तर्क करना जानते हो, करना चाहते हो, तो आपके पास अध्ययन होना चाहिए, मतलब आप अध्ययनशील होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ विट की वाइफ्स इसलिए स्टडी को बताया है। शी कंप्लेन्स टू विल अबाउट हिज इग्नोरेंस, लेकिन विल कहती है कि यार तुम तो इग्नोर करते हो हमको, मतलब तुम स्टडी को इग्नोर करते हो। विल देन प्रोसीड टू क्लर्जी एंड स्क्रिप्चर्स टू लर्न मोर अबाउट द डू वेल। इसके बाद जो विल है उसकी इच्छा और जागृत हो जाती है, वो क्लर्जी के पास जाता है, धर्म ग्रंथों यानी स्क्रिप्चर्स के पास जाता है, और वो जानना चाहता है कि वो अच्छी चीज क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, डू वेल क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि जो स्कॉलरशिप यानी जो विद्वानता है, जो नॉलेज है, वही मुझे सॉल्वेशन अचीव करने में हेल्प कर सकती है, यानी मैं नॉलेज के थ्रू ही मुक्ति पा सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है पर्सेस 11। ठीक है, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार तुमको सेल्फ नॉलेज नहीं है। जब विल स्क्रिप्चर्स के पास जाता है तो कहते हैं यार तुमको तो सेल्फ नॉलेज नहीं है। अब विल को गुस्सा आ जाता है, वो फिर से सो जाता है। ठीक है, और फिर वो स्वप्न में एक और स्वप्न देखता है जहां वो फॉर्चून से मिलता है, भाग्य से मिलता है। ठीक है, ही सर्व हर इन ओल्ड एज बट सी अबैंडन्ड हिम। तो यहाँ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जो भाग्य होता है ये विल उसको सर्व करता है, लेकिन जो भाग्य है उसको लास्ट में छोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो फॉर्चून है वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, तो इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। विल लर्न्स अबाउट द सॉल्वेशन ऑफ एम्परर ट्रेजन। विल जो है एम्परर यानी सम्राट ट्रेजन के सॉल्वेशन यानी मुक्ति के बारे में पता चलता है उसको, और लव की जो पावर है, प्रेम की जो शक्ति है, उसके बारे में जानकारी जुटाता है, पता चलता है। इसके बाद एक करेक्टर है काइंड, ये इसको पूरे संसार को दिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो विल है उसका रीजन के साथ आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, जो रीजन है, तर्क है, यानी अगर हम ह्यूमन ट्रेट्स की बात करें, उसके साथ ही आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो विल कंक्लूजन पे पहुंचता है वो ये होता है कि डज नॉट डू एनफ टू कीप पीपल फ्रॉम सिन बट रीजन डिसएग्रीज, विल अवोकन फ्रॉम द ड्रीम विद इन ए ड्रीम। और इसके बाद जब ये स्वप्न से जागता है तो वो इमेजिनेटिव से मिलता है, जो इससे बोलता है विल से कि यार धैर्य रख, इतना जल्दबाजी मत कर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है जिसमें जो इमेजिनेटिव है वो विल को बताता है और उसको समझाता है, ठीक है, कि जल्दबाजी मत कर, ह्यूमैनिटी और जो दया है वो बहुत अच्छी चीज है।
तुम दया करना सीखो और मानवता दिखाना सीखो। तो यहाँ जो राइटर है वो भी दर्शा रहा है कि तुम विट के पास जाओ, थॉट के पास जाओ, फॉर्चून के पास जाओ, ये सब तर्क करो, वो करो, लेकिन अल्टीमेटली वो कहता है कि दया करो, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेस और नीड फॉर ह्यूमिलिटी, ठीक है, इनके बारे में बताता है। इसके बाद विजन 4 शुरू होता है जिसमें पैसेज 13 आता है। विल अवकन्स देन फॉल बैक टू स्लीप, विल जाग जाता है लेकिन फिर से सोता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि वो उस स्वप्न में देखता है कि वो दावत खा रहा है, यानी फीस्ट पार्टी कर रहा है, जिसमें कंसाइंस भी उसके साथ है, स्क्रिप्चर्स भी है, क्लर्जी भी है और पेशेंस भी है, ठीक है। इसके बाद ही एक लालची डॉक्टर ऑफ डिविनिटी से मिलता है, ठीक है, जो सब खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद जो पिरस डिप्लोमैन है, यानी जो साधारण आदमी है, किसान है, वो एक डेफिनेशन प्रेजेंट करता है डू वेल और डू बेटर और डू बेस्ट की। वो बोलता है मैं बताता हूँ तुमको कि डू वेल क्या है, डू बेटर क्या है, डू बेस्ट क्या है। देन कंसाइंस एंड पेशेंस मीट हॉकिन। अब इसके बाद जो कंसाइंस और पेशेंस है वो हॉकिन नाम के एक एक्टिव मैन से मिलते हैं, यानी साधारण व्यक्ति है ये हॉकिन, उससे मिलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति एक कोट पहने हुए होता है क्रिश्चियन फेथ के साथ, ठीक है, लेकिन वो भी सॉइल्ड विद द 7 डेडली साइंस, उसके सिंस उसके भी वो भी पापों से भरा हुआ होता है, ठीक है। जो कंसाइंस है पेशेंस है वो हॉकिन से मिलते हैं, बड़ा ठीक ठाक होता है व्यक्ति, कोट पैंट पहने हुए क्रिश्चियन फेथ के साथ, उनको लगता है कि तो अच्छा होगा, लेकिन वो पाते हैं कि यार ये बंदा भी पाप कर चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कंसाइंस है हॉकिन को बताता है कि तुम क्षमा मांगो और पश्चाताप करो, ठीक है। और इसके बाद जो हॉकिन है वो भगवान की दया के लिए चिल्लाता है, बोलता है भगवान मेरे पे दया करो, मुझे पता नहीं था, मैं तो सूट बूट में घूमता था, मुझे लगता था कि मैं पाप नहीं करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने तो मेरे को बताया कि मैं भी पापी हूँ। तो फिर वो भगवान से बोलता है कि ईश्वर मेरे ऊपर दया करो, मर्सी करो। इसके बाद जो विल है वो जाग जाता है। विजन 5 शुरू होता है। देखो ये बड़ा इंट्रिकेटेड हो सकता है समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो करेक्टर है वो ह्यूमन नेचर ही है, तो अल्टीमेटली वो बता रहा है कि हमारा नेचर कहाँ से कैसे जाता है। अब पैसेज 15 शुरू होता है। अब इसमें जो विल है ना वो अपने आप को एकदम अलग थलग पाता है, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो उसकी हेल्प करता है फिर से सो जाने में कि तुम सो जाओ यार। अब इसके बाद जो विल है, जैसे ही वो नींद में जाता है तो वहां एक स्पिरिट से मिलता है, एक आत्मा से मिलता है, जिसका नाम होता है अनिमा, ठीक है। अब जो अनिमा होती है, जो आत्मा होती है, वो बोलती है यार तुम ज्यादा जानने की कोशिश जो कर रहे हो ना, फालतू की चीजों में पढ़ रहे हो कि मैं जानूंगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, इन सब चीजों में मत पढ़ो, ठीक है, तुम चैरिटी करो, ठीक है, और ये देखो कि जो चर्च है वो कैसे काम कर रहा है, क्या है वो लोगों की, जो आम लोग हैं उनकी हेल्प करता है, क्या जो प्रिस्ट हैं वो या जो मॉन्क हैं वो लोग अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करते हैं, तुम इन चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम सिर्फ चैरिटी पे ध्यान दो, और ये देखो चर्च अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो मॉन्क वगैरह हैं प्रिस्ट वगैरह हैं वो अपने कर्म ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद जो विल है, इसे अनिमा से बात करने के बाद वो एक डिसीजन मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि यार जो पिरस फिलोमैन है ना वही क्रिस्ट है, यानी जो साधारण आदमी है ना वही क्रिस्ट है, वही ईश्वर है। अब इसके बाद उसे महसूस होता है कि वो जो सर्च कर रहा था ना डू वेल, यानी अच्छा क्या है, उसको उसकी जगह वो चैरिटी की तरफ मुड़ने की सोचता है। उसके मन में आता है कि उसके छोड़ के मैं अब चैरिटी की तरफ चला जाऊं, ठीक है, मैं चैरिटी करने लगूं। इसके बाद जो विल है फिर से सो जाता है, उसको फिर से स्वप्न आता है। अब यहाँ वो देखता है ट्री ऑफ चैरिटी, यानी चैरिटी के बारे में, और उसको समझ में आता है कि यार चैरिटी का जो गार्डनर है ना वो पिरस डी प्लोमैन है, यानी जो साधारण इंसान है वही है, ठीक है, जो चैरिटी को गार्डन करता है वो पिरस प्लोमैन ही करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो विल है वो रीएनैक्टमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन में पार्टिसिपेट करता है, और जो क्रिश था उनकी लाइफ का विजन देखता है। इसके बाद उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां डेविल को हराया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद उसका जो ड्रीम है, जो स्वप्न है, वो टूट जाता है। अब विल गोज लुकिंग फॉर पीस एंड मीट फेथ। अब जो विल है उसकी समझ में आ चुका है, तो वो जाता है पीस के पास और वो मिलता है फेथ से, ठीक है। फेथ का नाम अब्राहम, यहाँ समझ सकते हैं राइटर ने इसको अब्राहम से कनेक्ट किया है क्रिश्चियन बिलीव्स के अकॉर्डिंग।
हु इज हिमसेल्फ सर्चिंग फॉर क्रिस्ट, तो वो फेथ से मिलता है, नहीं अब्राहम से मिलता है, जो खुद ही भगवान की यानी क्रिस्ट की सर्च में होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जो होप विल है, वो होप से मिलता है इस बार। ठीक है, होप यानी मूसा है, मसिस, मोसिस, मूसा, इनसे मिलता है। अब ये भी पता है कि यार ये भी क्रिस्ट की सर्च में है। फिर इसे पता चलता है कि एक समारिटन नाम का व्यक्ति है, कोई करेक्टर है जो सॉल्वेशन की तरफ हमको ले जा सकता है। और उसको फिर पता चलता है कि यार लव की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर वो जाग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विजन शुरू होता है, विजन 6। इसमें क्या होता है, जो विल है वो फिर से सो जाता है, क्योंकि इसका सोना जागना है, ये कहानियां हैं। अब इसमें ये क्या करता है, पिरस्पिलोमैन के क्लाइमेटिक सेक्शंस को एक्सपीरियंस करता है, वो प्रेम को एक्सपीरियंस करता है, ह्यूमन का डिवाइन, और जो ये प्लेटोनिक लव होता है उसको एक्सपीरियंस करता है। इसके बाद वो क्रिस्ट को विटनेस करता है, और जेरूसलम, और क्रिस्ट जेरूसलम में जो क्रिस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था उसके बारे में देखता है। और यहाँ उसको पता चलता है कि फोर डॉटर ऑफ गॉड, कि जो ईश्वर है उनकी 4 पुत्रियां हैं, और वो कौन कौन है, ट्रूथ है एक, एक जस्टिस है, एक मर्सी है, एक पीस है। ठीक है, तो यहाँ उसको समझ में आता है। विल वॉक अगेन एंड नाउ एक्सॉर्ट हिज फैमिली टू हियर मास। ठीक है, वो फिर से जाग जाता है और वो देखता है कि उसकी जो फैमिली है वो भीड़ की तरफ ही है। इसके बाद क्या होता है कि उस भीड़ में वो विल जो होता है फिर से सो जाता है, और इस बार वो कंसाइन से मिलता है एक बार फिर। ठीक है, अब जो कंसाइन से उसे बताता है क्रिस्ट के पैशन के बारे में, और बताता है पीटर ने यानी पीर्स गिवन इज पावर बाय ग्रेस, यानी कैसे पीटर को ग्रेस के द्वारा, क्रिस्ट के द्वारा पावर दिया। ठीक है, अब इसके बाद वो जो अलग पेंटेकोस्ट है, वंस मोर सीज पीर से प्लोमैन एंड विटनेस द प्राइड अटैकिंग यूनिटी होली चर्च, ये सब चीज देखता है। ठीक है, कि कैसे प्राइड है वो होली चर्च को अटैक करता है। यहाँ इससे सेंस ये है कि जो लोग आम लोग होते हैं वो कैसे अपने ईगो में आके चर्च को, या जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद विजन 8 शुरू होता है, यानी लास्ट बसेस 20। जो विल है इस बार वो नीड से मिलता है। ठीक है, ही फॉल्स असलीप अगेन एंड नाउ ड्रीम्स ऑफ द एंटी क्रिस्ट, काइंड्स एंड ओल्ड एज डेथ, और मतलब सो जाता है और फिर वो एंटी क्रिस्ट से मिलता है। तो जो काइंड है वो ओल्ड एज भेज देता है, ठीक है, डेथ भेजता है, एंड पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस मतलब बीमारी, महामारी, टू चेस्टाइज पीपल, विल इज अटैक्ड बाय ओल्ड एज। तो जो काइंड है वो, इसे हम किंडे भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो ओल्ड एज भेजता है, डेथ भेजता है, पेस्टिलेंस भेजता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ईश्वर है वो बुढ़ापा देता है, मृत्यु देता है, कभी कभी महामारी देता है, ताकि लोग चेस्टाइज हो जाएं, थोड़ा शुद्ध हो जाएं, थोड़ा समझ जाएं, ईश्वर को मानने लगे, उसका स्मरण करने लगे। अब जो विल है उस पे ओल्ड है, ओल्ड एज अटैक करता है, यानी वो बूढ़ा हो जाता है। वो देखता है कि यार जो चर्च है ना, होली चर्च, वो हाइपोक्रिटिकल जो फ्रायर होते हैं, यानी ढोंगी टाइप के जो फ्रायर होते हैं, उनके द्वारा उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। कंसाइन गोज टू पिलग्रिमेज टू सीक पीस द पिलोमैन। इसके बाद जो कंसाइन जब वो एक तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है, और वो देखता है कि उसको कहीं पीस द पिलोमैन मिल जाए, एंड कॉल्स ऑन ग्रेस फॉर हेल्प वेयर अपॉन विल वॉक्स अप। और जो ग्रेस के लिए वो जो कंसाइन से वो पुकारता है, और इसके बाद जो विल है वो फिर से जाग जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग से लास्ट तक राइटर ने बताने की कोशिश की है ह्यूमन ट्रेट्स वाइस और वर्सेस के थ्रू, कि कैसे हमारा अस्तित्व है और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो अब थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने ट्राई की आपको एक एक पॉइंट को समझाने की। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।